अब उठ रही है तू सो के? 10 बजे उठने वाली लड़की कभी 6 बजे आ सकती है? झूठ की तरह बोल रही, सामने सामने झूठ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अब क्या बोल? गुड मॉर्निंग गाइस। आंख बंद ना होना मेरा ख्याल है। बिल्कुल भी मेरा कहना नहीं मान रही है, रात को भी बोला था इसको मैंने। क्या बोला? ऐसी जगहों को कौन यार छोड़ना चाहेगा? रोयो मत बस। कितने बजे? चाय तो मैंने बनाई। दरवाजा लगा रखा था? कौन सा दरवाजा लगा रखा था? दरवाजा तो खुला था। दरवाजा खुला था? ओहो, कितने बजे आई? 9 बजे। 10 बजे उठने वाली लड़की कभी 6 बजे आ सकती है? मैंने तो नहीं बोला, मैं 6 बजे आई थी। मैं ये बोल रही हूँ 7:30 बजे। 7:30 बजे तो सात बजे तो मैं बाहर गया था वॉशरूम। झूठ की तरह बोल रही, सामने सामने झूठ। कितने बजे उठा रहे तू? मैं झूठ मत बोला। 6 बजे। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, कंच है आप सब, स्वागत है आपको एक नए ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं करना, आंख बंद ना होना मेरा ख्याल है, क्योंकि काम आ गाड़ी भी ठेला करो। कंचा करने भी बैठा है ऐसे जगह मेरे को जहाँ से धूप आ रही है। जाओ मम्मी दिखा के आओ। नहीं जा रही, जाओ जाओ, फिर बात करना छोड़ दूंगा। तेरे बोले सब कुछ ये बिल्कुल भी मेरा कहना नहीं मान रही है, रात को भी बोला था इसको मैंने। क्या बोला था? कि मिलने सब्जी बना, रात को भी खाना मैंने ही बनाया और मेरा हाथ पेड़ा हो रही है। कैसे करते भी लोग यार, मेरा हाथ पेड़ा और लगे छे। मम्मी गुड मॉर्निंग। चल निकल के आऊंगी। कहाँ? आपको निकलने की पड़ी है, ये नहीं कि ऐसा बोलूं कि कहीं और चलते घूमने। अच्छा। जाना ही है मतलब। क्या करना चाह रहे हो? ऐसा बोलो कहीं, चलो कहीं और चलते घूमने। जा आप बोलो। सिद्ध बल्ली मंदिर चलते हैं आप? ठीक है, तो डिसाइडेड हो गया ना आज सिद्ध बल्ली मंदिर का। ओके, बाकी दगड़ियों आज की ब्लॉग की शुरुआत तो स्वेता ने कर ही दी है। क्यों आज का ब्लॉग भी हमारा इस खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ठंगर गांव से स्टार्ट होता है। और अभी मैं और मम्मी जी रेडी हो चुकी हैं जाने के लिए। आज हम जा रहे हैं ठंगर टू ऋषिकेश। तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है मेरे को, मतलब मन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को ना पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है यार। और मतलब मैं ना मतलब पहाड़ों में ही रहना चाहता हूँ, पहाड़ों के बीच में, क्योंकि यार पहाड़ों की सुंदरता वगैरह ना बहुत अलग होती है, जो भी चीज़ें होती हैं वो नेचुरल होती हैं। आज जाना तो पड़ेगा यार, क्या करें, जॉब भी है। बाकी हाँ, इन फ्यूचर अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो हाँ, उसके बाद मैं घूमना चालू कर दूंगा और अपना पूरा टाइम अपने यूट्यूब को दूंगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट और ट्रैवल कर पाऊँ, आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ लेके आ पाऊँ। तो बस आप सपोर्ट करते रहिए। ऐसी जगहों को कौन यार छोड़ना चाहेगा? देखो कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का, इसको कैद कर लेते अपने कैमरे में, इस नज़ारे को पता नहीं कब दोबारा देखने को मिले। आज हम जा रहे, तो कैसा है तेरे को फील हो रहा है अभी? रोयो मत बस, बताना है, हैं? अरे तू चाहती है ना हम यहीं रुके, हैं? चाहती है तो मम्मी को पटा दे। नो वर्ड्स, क्यों नहीं बोल रही कुछ? इसका रोने वाला चेहरा हो गया, हंस रही है बाहर से, बस दिल से रो रही है। नहीं रुक रहे आप यहाँ? मैं तो अकेली है यहाँ। तो आपने आप इतना नहीं सोच रहे कि हाँ उसके साथ रुक जाऊँ एक दो दिन और? काम तो कर ले, मैं चले जाता हूँ, मेरे को तो ड्यूटी जाना है भाई।
मतलब ही नहीं है कोई। मैं चाहूँ तो रू जाऊँ तुम्हारे लिए। सो अपना ब्रेकफास्ट भी बन चुका है और ब्रेकफास्ट में एग, पनीर, दूध और रोटी खा रहा हूँ। जल्दी से डन करते हैं फिर निकलते हैं ऋषिकेश में। और आज का ब्रेकफास्ट बनाया है श्वेता ने। ओके गाइस बाय। सबसे पहले इसको कोल्ड स्टार्ट की जाए। रोयो मत रोयो मत, कोई नहीं दोबारा आएंगे हम। अभी रो मत ना, रो क्यों रही है? ना रो रही, मैं दिख रहा है। रो क्यों रही? अरे क्या कर रहे, बैठो ना। गाड़ी में पकड़, गाड़ी में पकड़ रखी है, पता नहीं क्या यू गाड़ी रखनी है। चल ठीक है, रो रही है। अब लगेगा इसको पूरा। वैसे रोचा नहीं, रो तो बार बार बोल रहा था रो जाऊंगी। हेलो भाई, गढ़वाली में बोल रहा मम्मी यार। हेलो गाइस, अरे गढ़वाली में हेलो गाइस बोल रहे। और दगड़ियों बोलो ना, बोलो जल्दी, बोल रहे हो यार मम्मी। हेलो दगड़ियों, अब हम अपना घर निकल चुके हैं। तो यार पीपल कोटी से नीचे आ चुके हैं हम और गाड़ी चला के काफ़ी ज़्यादा थकान लग गया है मेरे को। करीबन हम 30 किलोमीटर चल चुके हैं और यहाँ पे अभी हम रेस्ट ले रखा है। यहाँ पे बैठ के अभी चाय बोली भी है, चाय पी रहे हैं। और गाड़ी चला के ना एक थकान लग जाती है बहुत ज़्यादा। फाइनली अपनी शॉपिंग भी हो चुकी है, डिकैथलॉन से काफ़ी सारा सामान लिया है। तो होगा इस अपना डिलीवरी का सामान भी आ चुका है, ये चेक करो। इसको अनपैक करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। आई एम सो एक्साइटेड। सो दगड़ियों, जो अपना सामान आया है अमेजोन से, इसको चेक करते हैं इसके अंदर होगा क्या। तो ये है भाई कुकिंग सेट कैंपिंग के लिए, इसको भी अनबॉक्स करते हैं। उससे पहले ये अनबॉक्स करते हैं, ये क्या होगा। वाह, तो ये मैंने कुकिंग सेट मंगवाया है। जैसे कि आपको पता है यार मैं कैंपिंग करता रहता हूँ तो बहुत ज़रूरी सामान है ये कुकिंग के लिए, बर्तन बुर्तन चाहिए होते हैं। तो स्पेशली मैंने कुकिंग करने के लिए मंगाए ये पूरा सेट मंगाया है मैंने। इस सेट में ना हम मेरे को क्या क्या मिला है, ये सबसे पहले तो ये इसका जो ऊपर का ढक्कन होता है ये मिला है, ये मिला है, ये जो हमारी कैटल होगी उसके ऊपर का जो ढक्कन है वो है। और ये तीन ये मिले कप टाइप के, ओके। कोंचा मिला है, कोंचा ऐसे ऐसे हिलाने के लिए, काफ़ी छोटा है यार ये, ऐसे तो बड़ा होगा पर छोटा है ये बहुत। ये समझ नहीं आया यार ये किस चीज़ के लिए होगा, किस तरह के लिए। ये शायद बर्तन धोने के लिए है, हाँ अंदर की साइड होने के लिए होगा। हेयर इज द कैटल, काफ़ी छोटी है ये, दो से तीन या चार बंदों की इसमें चाय बन जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है सही है। और जो आपको ये बता रहे थे ये है इसके ढक्कन, ऐसा होता है। इसमें आप चावल वगैरह बना सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती हैं इसके अंदर। देखा इसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। इसका जो बेस है ठीक है, मोटा ही है। ये सारा सामान मिला है इसके साथ और ये इसका बैग है जिसके अंदर ये पूरा फिट हो जाता है। ठीक है, वैसे मेरे को नॉर्मली सोलो कैंपिंग ज़्यादा करूँगा मैं तो, मेरे लिए तो बहुत है ये, इनफ है। मतलब इसमें आराम से खाना बन जाएगा मेरा,
कोई दिक्कत नहीं होगी। इन फ्यूचर अगर मेरे को ज़्यादा चाहिए होगा, अगर इससे बड़े बड़े बर्तन चाहिए होंगे तो मंगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चैनल चलना चाहिए, जब इतना खर्चा कर रहा हूँ तो चैनल तो चलाना ही पड़ेगा ना भाई।